सात के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। पढ़ रहा था, बैटरी भीग गई और दबाकर लपक दी, बैटरी डाउन हो गई, तो उसी चक्कर में हम लोगों के साथ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो आज ये पेड़ देखो छाटने वाला था, तो इतना ज़्यादा काम में इधर उधर बिजी हो गया था। फिर आया कोचिंग से आने के बाद फिर कहीं पे चला गया था। अब फिर आने के बाद तो देखो बीए टाइम हो गया है, शाम हो गया, तो सोच रहा हूँ कि गाड़ी लाइन आ जाए तो आधा घंटा और चार्ज जाए, तो चलो आज बनारस आप लोगों को लेकर उधर, या तो नमो घाट या तो अस्सी घाट या तो कई बहुत सारे घाट है, किसी भी घाट पे चलूँगा आप लोगों को घुमाने। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा नाइट हो जाएगी चलेगा, ब्लॉग में बने रहना। तक जब तक इधर हूँ तब तक आप लोगों को इधर का पूरा दिखा दो नज़ारा। रुको, दिखा रहा हूँ अभी, वेट करो। देख रहे हो गाइस, इधर जो सब्जी लगाई गई थी सब अब जाम गया धीरे धीरे। अब अमरूद तो ये मौसम थोड़ा डाउन है तो सब पत्तियाँ हरे भरे हो गई हैं। देख रहे हो चारों तरफ का ये पूरा बास। गाइस देखिए, अभी हम लोग बताया आज हम लोगों के साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया। इधर देखिए हमारे माननीय श्री पंडित जी हैं और इधर हम अभी आ रहे हैं। हम लोग 10-12 किलोमीटर से पैदल ही आ रहे हैं। देख रहे हो स्कूटी का चार्ज ख़त्म हो गया है, तो देखो अभी अपने रिक्स माई रिक्स टीम को कॉल किया हूँ, वो आ रहे हैं सर बाइक लेके और चार्ज जला के देखो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आगे दिखाई नहीं दे रहा है। ये हाईवे का पटरी साइड है तो इधर से हम लोग चल रहे हैं। और पंडित जी, हमारे व्यूवर्स के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? आज हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा गए कि पोपट कहे वो हो गया था। थोड़ा सा इधर लाइट दिखाओ तो हमारा डबल जुगाड़ जाए थंबनेल का। देखिए अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, फिर उसके बाद तो देखो निकलेंगे आराम से। बहुत बड़ा ऐसे लाइट जलाए तो स्कूटी वाला देख रहे जो जा रहा है रेड कलर का, वो भागा बहुत तेज, उसे लगा कि कोई है छोड़ने छाड़ने वाला। यहाँ हम लोग खुद ही फटी पड़ी है, पूछना दूर से दौड़ दौड़ के आते हुए। देख रहे हो फोन आ रहा है किसी का, रुको उठा लूँ तब। अब देखे पंडित जी थोड़ा परिश्रम कर रहे हैं इधर पे, इनसे पूछे इनका फील कैसा आ रहा है। सर आपकी हालत एकदम खराब, हम कहें भाई लो बैटरी वाला कोई सामान मत देना यार कभी। बैटरी वाला इतना बड़ा मोबाइल लिए हैं अब वो नहीं हो रहा है इनसे, तो चलिए देखो हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। इधर देख लो पूरा पसीना से हर तरह बोर हो गए हम लोग, तो चलो निकलते हैं धीरे धीरे। कहीं पे देखेंगे लाइट है तो वहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे रेस्ट करेंगे, नहीं तो अभी चल रहे हैं आ रहे हैं। 10 किलोमीटर हो गया, अभी घर जाना है कम से कम 8-9 किलोमीटर भी घर है यहाँ से, तो चलो निकलते हैं घर की तरफ स्कूटी लेकर। वो देख रहे देखिए हम लोग खेवसी पहुंच गए, लड़खड़ाते इधर पंडित जी का जोर हो गया तो मैं लेके चल रहा हूँ, कुछ दूर तक चलूँगा, नहीं तो अब देखो छोटू आ जाएगा, आधा घंटा लगेगा अभी आने में। अभी हम लोग घर से बहुत दूर हैं जो कि धीरे धीरे अभी चल रहे हैं इधर। हम लोग सोचे कि चला जाएगा अभी जाएंगे उतने टाइम में, पर क्या हुआ कि बीच में पानी मिल गया, थोड़ा सा बारिश पड़ रहा था, बैटरी भीग गई और दबाकर लपक दी, बैटरी डाउन हो गई, तो उसी चक्कर में हम लोगों के साथ हो गया बहुत बड़ा पोपट। तो अब निकल रहे हैं घर की तरफ। हमारे पंडित जी देखे पीछे पीछे अभी आ रहे हैं फॉलो मी करते हुए। अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद करूँ तो निकलूँ तेज़ी से, क्योंकि इधर थोड़ा सा सुनसान है ना, देख रहे हो आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, समझ लो को हम लोग अभी एडवेंचर टूरिस्ट कर रहे हैं इधर। तो निकलता हूँ फिलहाल तेज़ी से, अब रिकॉर्डिंग बंद करूँगा तब। दौड़ल जा पंडित जी थोड़ा सा, दौड़ल जा हाँ। तो चलिए गाइस निकलता हूँ अब दौड़ते हुए। अभी यहाँ से 8 किलोमीटर है, अभी जहाँ पे बताया था वहाँ से 9 किलोमीटर था, यहाँ से 8 किलोमीटर है। देखो यही है, नहीं कहोगे कि वैसे ही फालतू जा रहा हूँ, तो चलिए निकलता हूँ तेजी से घर की तरफ। देखिए गाइस अभी ठंडा खुला था,
बंद हो गया। देखिए अभी हो गया 2 से 3 किलोमीटर आते हैं, मतलब रिंग रोड पे चढ़ने के बाद आने के बाद। उधर तो हम लोग कितना आए थे पंडित जी, 10 से 12 किलोमीटर ना? 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया हम लोगों को पैदल आते हुए। उधर तो दौड़ते हुए आए थे, उधर तो बहुत ज़्यादा अन्हार था, इधर तो देखो हाईवे गाड़ी वाड़ियाँ चल रही है, इधर पूरा लाइट ही नहीं है, पूरा चारों तरफ देख लो भाई, इधर भी लाइट नहीं है, फिर भी उतना डर नहीं लग रहा है। पर उस साइड जो उधर था ना, उस वाले पे तो उधर एकदम निरल्ला ऐसे रहता, कोई तो गाड़ी खड़ा करके पैदल भागा आता है। पर हम लोग देखिए आराम से आए। तो देखिए आज ब्लॉग आए थे, ब्लॉग ही शूट करने, अब पंडित जी से चला नहीं पा रहे थे उधर सही से, तो मैं ही चला रहा था, पंडित जी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे सही से। तो फिर रात को रिकॉर्डिंग होना ही था इधर, तो क्या हुआ पता है, बैटरी ख़त्म हो गई। अब बैटरी ख़त्म होने के बाद यही देखिए जा रहा हूँ आराम से। तो जल्दी ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि इस पार उस पार, अभी जो कि हम लोग उस पुल से लमसम 3-4 पुल इधर है, मतलब कि वहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा ना पंडित जी, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है अभी हम लोग। देखो यही चल रहे हैं जाते जाते, पूरा ये देख रहे हो पूरा गंजी भीज गया है, पंडित जी भी भीज गए हैं, पूरा पसीना से भी हम लोग खराब हो रहे हैं। अभी चल रहे हैं आराम से, देख रहे इधर गाड़ी मोटर चल रहे हैं, सब लोग खिड़की से मुड़ी निकाल कर देख रहे हैं कि सब करके आ रहे हैं। अब हम लोगों का गाड़ी बैटरी खत्म हो गया तो क्या करें, अब कम से कम ब्लॉग नहीं शूट हुआ था तो यही शूट कर लें, क्योंकि आज शायद इसी चीज़ का ब्लॉग शूट होना था कि इसीलिए शायद दिन में नहीं हो पाया। दिन में देखो तो दिन में भी पूरा दौड़ते रह गए, मतलब किसी के साथ एक बार भाभी को ले गया था, एक बार दीदी को ले गया था, तो अकेले रहता तो कर लेता, या तो कोई और साथ तो हो जाता, अब ऐसे हो नहीं पाया। तो अब देखो नक्षत्र इधर से खींच के लगा हमारे मिस्टर छोटू यादव, इनको मद्देनजर रखते हुए ताजराते हिंद दफा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। बड़ा डेंजर गाना बजी ने। तो गाइस देखिए आए हो गए आधा से एक घंटे, मतलब एक घंटे हो गए, देख रहे हो आग तक पूरे लाल हो गए, उतना दौड़ते दौड़ते 10-12 किलोमीटर आए थे पूरा पैदल, पैर जैसे पूरा जाम हो गया था। तो अब देखो थक गया हूँ, तो अपने ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। होप आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, राम राम, सीताराम। ये देखो गाइस तुलसी का पेड़ है।